हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में रिव्यू करेंगे बजाज पल्सर 125 सीसी की और जानेंगे इसके फीचर्स के बारे में। ऑन रोड प्राइस की बात करेंगे, 2021 में क्या क्या बदलाव हुए, ये सब बताएंगे इस वीडियो में। अगर आप बजाज पल्सर 125 सीसी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैंने आपको बाइक चारों तरफ से दिखाई दी है। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये बाइक कैसी लगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको आगे से दिखाना चाहता हूं। तो आगे आप देख ही रहे हैं। बात करें हेडलाइट की तो हैलोजन बल्ब के साथ आपको हेडलाइट मिलेगी। और बात करें इंटीग्रेटर की तो इंटीग्रेटर में आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा। हेडलाइट के ऊपर दो पार्किंग लैंप भी मिल जाएंगे आपको। इस तरफ भी आपको हैलोजन बल्ब मिलेगा इंटीग्रेटर में। और बात करें इसके शॉकर्स की तो शॉकर पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएगा देखने के। और बात करें आगे की ब्रेक की तो आपको ड्रम ब्रेक मिलेगा, आगे रिफ्लेक्टर दोनों तरफ मिलेंगे, इस तरफ भी रिफ्लेक्टर दिया गया है। बात करें इसके आगे के टायर की तो 80x117 के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे अलॉय व्हील के साथ। यहाँ पर आपको सिंगल हॉर्न मिल जाएगा जो काफ़ी तेज है। और यहाँ नीचे इंजन काबू भी मिल जाते हैं देखने को, काफ़ी अच्छे काबिल हैं। और इस बाइक में आपको कार्बोरेटर मिल जाता है जो BS6 में कंपनी ने 2021 में बजाज पल्सर में कार्बोरेटर भी दे दिया है। गियर की बात करें तो आपको 5 गियर मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक जाली मिल जाती है रेड कलर में। बात करें चैन कवर की तो आपको वही पुराना वाला चैन कवर मिलेगा जो पहले आता है, इसमें चैन कवर में बदलाव नहीं किया गया। पीछे की टायर की बात करें तो आपको 100x90x17 के ट्यूबलेस टायर मिलेंगे अलॉय व्हील के साथ जो काफ़ी अच्छे टायर दिए हैं कंपनी ने। तो बात करें इसके इंजन की तो 124.4 सीसी का इंजन मिलेगा इसमें सिंगल सिलेंडर के साथ। एयर कूल्ड इंजन मिलेगा। यहाँ नीचे भी इंजन का व्हील मिल जाता देखने को। बात करें साइलेंसर की तो आपको क्रोम पट्टी में साइलेंसर मिलेगा इसमें जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी वजन की बात करें तो 140 केजी का वजन दिया है कंपनी ने इसमें। बाकी सब आप देख ही रहे हैं, काफ़ी सुंदर बाइक है। पीछे के ब्रेक की बात करें तो आपको 130 mm का ड्रंक ब्रेक मिलेगा। अब आप पीछे भी देखिए दोस्तों, ब्रेक लाइट की बात करें तो काफ़ी अच्छी ब्रेक लाइट दी गई है इसमें। काउबिल में चेंजिंग कर दी गई है, जो 220 में आते थे वही इसमें डाल दिए हैं। यहाँ पर भी आपको 125 लिखा मिल जाता काउबिल के नीचे। सीट की बात करें तो काफ़ी अच्छी सीट दी गई है जो राइडर और पैसेंजर दोनों आराम से बैठ सके। यहाँ टंकी पे 3D में सेफ्टी लोगो मिल जाता देखने को। यहाँ पर टंकी पर भी टंकी काउबिल मिल जाते। यहाँ रेड कलर में आपको पल्सर लिखा मिल जाएगा 3D में इस तरफ। अब मैं इस तरफ का दिखा दूँ, इस तरफ भी आपको 3D में पल्सर मिलेगा रेड कलर में लिखा। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 11.5 लीटर का टैंक मिलेगा इसमें जो काफ़ी अच्छा टैंक दिया है कंपनी ने। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको ये बाइक। अब मैं आपको चाबी ऑन करके दिखाऊंगा मीटर के। अब आप मीटर ही देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी अच्छा मीटर दिया गया, डिजिटल मीटर दिया गया कंपनी ने इसमें। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों, आप देख ही रहे हैं कंपनी ने काफ़ी अच्छा मीटर दिया गया है। यहाँ बगल में आपको लाइट स्विच, हॉर्न स्विच मिल जाते हैं। इस तरफ आपको ऑफ स्विच मिल जाता और सेल्फ स्विच मिल जाता।
और बात करें इसकी माइलेज की तो कंपनी ने इसका माइलेज 50 से 55 किलोमीटर का दिया है। अब मैं इस बाइक की आपको ऑन रोड प्राइस बताना चाहता हूं दोस्तों, तो लगभग आपको ये 85,000 रुपये तक की पड़ जाएगी। अगर दोस्तों आप मिरर देख रहे हो इसके, तो यहाँ कंपनी से मिरर आते तो हैं लेकिन यहाँ एजेंसी में निकाले गए हैं। जो आप बाइक खरीदते हो तो मिरर लगा के देंगे दोनों। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये बाइक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट बाइक के साथ।